जिले में बाल श्रम को लेकर अफसर कितने संजीदा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एक ठेकेदार, दो सांसद प्रतिनिधि भी हैं, बच्चों से बाल मजदूरी करवा रहे हैं। सड़क पर हो रही इस बाल मजदूरी को देखने वाले तो कई लोग हैं, लेकिन कहने वाला कोई नहीं। दरअसल शमशाबाद से रोशनाबाद रोड पर स्थित अलीपुर पीठ धोलेश्वर, जो हाल ही में नगर पंचायत में शामिल हुआ है, करीब 500 मीटर का सड़क के दोनों तरफ नाली निर्माण का काम चल रहा है, जिसमें करीब 5 से 6 छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकती हैं कि इन बच्चों को नाली बनाते हुए काम करते हुए कुछ बच्चे स्कूल की ड्रेस में भी दिख रहे हैं। ये जो शमशाबाद नगर पंचायत में जो बच्चे काम कर रहे हैं, उस पर आप क्या बोलेंगे? जैसा कि अभी जो मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है कि जो छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, उसमें ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि बच्चे स्कूल के हैं, कि यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, तो ये तो बिल्कुल नियम विरुद्ध कार्य हो रहा है। जो भी ठेकेदार और जिस विभाग के द्वारा कार्य किया जा रहा है, उनको पता लगाया जाएगा और वो जिम्मेदार एक व्यक्ति हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसमें सरासर मतलब कि नियम की अवहेलना हो रही है। बच्चों से किसी रूप में कार्य नहीं के लिया जा सकता है, और उसमें साक्षात बच्चे दिखाई दे रहे हैं कि बच्चे 14 साल से काफ़ी नीचे एज के हैं। और बाल श्रम के अंतर्गत देखा जाए, श्रम अधिनियम के अंतर्गत देखा जाए, 14 साल तक किसी बच्चे से किसी रूप में कार्य नहीं लिया जा सकता है। और इससे ऊपर का भी है, तो ये जोखिमपुर कार्ड है जो उनके द्वारा कराया जा रहा है, तो इसमें 16 साल तक के बच्चे भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस आधार पर शासन को भी लिखा जाएगा और संबंधित जो ठेकेदार हैं, विभाग है, उनको भी पत्र जारी किया जाएगा, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और तत्काल ऐसे काम को रुकवाया जाएगा। और अगर जो संबंधित ठेकेदार हैं अगर बात नहीं मानते हैं, उनके ठेका को कुल मिला के मतलब कि पाबंदी लगाने के लिए मतलब कि पत्र जारी किया जाएगा। तो इसमें ठेकेदार को क्या कार्रवाई हो सकती है? ठेकेदार कार्रवाई है क्या, ठेकेदार पूरे जिम्मेदार हैं इस बात को लेकर। और इसमें श्रम अधिनियम के अंदर जो भी दंड होता है, उसका प्रावधान मतलब कि उन पर भी लागू होगा। वैसे बाल श्रम के अंतर्गत जो भी कार्य कराते हुए मिलता है, तो 50,000 तक का उसमें जुर्माना होता है। और जो भी दंड अगर श्रम न्यायालय जो दंड देता है, तो वो टोटल दंड के मतलब की भागीदार हो सकते हैं हम।